टमाटर का रेट 2 सप्ताह में ही 60% तक घट गया है। जो टमाटर 22-23 नवंबर को 100 रुपए किलो और उससे ज्यादा पर बिक रहा था, उसका दाम अब रिटेल मार्केट में सिर्फ 40 रुपए ही रह गया है। किसानों का कहना है कि कुछ जगहों पर नई फसल आने लगी है, बाढ़ और बारिश का असर कम हुआ है, इसलिए दाम अचानक इतना कम हो गया है। किसानों को अब थोक में 15-20 रुपए किलो में टमाटर बेचना पड़ रहा है, जो जनता को 2 गुना होकर मिल रहा है। आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन चित्तूर और अनंतपुर जिलों में होता है। केंद्र सरकार की ऑनलाइन मंडी ई नाम के मुताबिक चित्तूर जिले की मदन पल्ले मंडी में 5 दिसंबर को टमाटर का मॉडल प्राइस सिर्फ 1800 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। चित्तूर का मदन पल्ले टमाटर का सबसे बड़ा बाजार है। यही कि पालमनेर मंडी में यह और कम होकर महज 1500 रुपए क्विंटल रह गया। आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और यूपी में टमाटर की अच्छी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश के खैर अलीगढ़ में इसका थोक रेट 2000 रुपए क्विंटल रह गया है। उधर महाराष्ट्र के नासिक में रेट और ज्यादा डाउन हो गया है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टमाटर मार्केट है। यहाँ इसका न्यूनतम दाम 500 और मॉडल प्राइस 621 रुपए क्विंटल है, जबकि अधिकतम दाम 951 रुपए क्विंटल। वहीं ऑल इंडिया वेजिटेबल ग्रोअर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कहना है कि अब मार्केट में कुछ जिलों में टमाटर की नई फसल आनी शुरू हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर कुछ कम हुआ है, इसलिए रिटेल मार्केट में रेट भी कम हुआ है। अब भी किसानों से सस्ता टमाटर लेकर बिचौलिए और व्यापारी महंगा बेच रहे हैं। किसानों के घर से 10-15 रुपए किलो के रेट पर बिकने वाला टमाटर अब भी रिटेल में 40 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। उधर कुछ बाजारों में प्याज के रेट में पहले के मुकाबले थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।